सिलाई मशीन के इस सेल्फ रिपेयर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले जब भी हमने वीडियो दिखाए, बहुत सारे लोगों से ये कमेंट्स आ गए हमारे लिए कि मशीन टाइट चल रही है, इसके लिए आप कुछ तो दिखाना ज़रूरी है। तो हमने सोचा कि मशीन जब भारी चल रही है उसकी वजह आपको दिखा देंगे। अभी तो देखो, ये आसान सी मशीन थी, मतलब बराबर चलने वाली मशीन थी। ज़्यादातर मेन जो वजह है, मुख्य वजह जो है, वो उल्टा चलने के बाद जो धागा बॉबिन के इसके अंदर फंस जाता है उसकी वजह से आता है। अभी देखो, ये मशीन तो मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ कि जो सही चल रही है। देखो, बराबर एकदम लूज है और चलाने में एकदम आसान है। मगर ये जो हमारा सिलाई मशीन जो हमारी तरफ व्हील घूम के जो चलता है, वही तरीके से अगर चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अभी देखो, ये चलने में ऐसे उल्टा चल गया तो धागा अंदर फंस जाएगा और ये टाइट चल जाएगी। जब तक हमारा मशीन बराबर चल रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। जब ये उल्टा चलेगा तभी क्या होता है, ये धागा टूटता है। देखो ऐसे, ये धागा अभी यहाँ का टूट गया है। ये धागा जो अंदर का रहेगा बाकी, वो अंदर के शटल और नाल के बीच में जो गैप आता है उसमें फंस जाता है। तो देखो दोस्तों, अभी ये मशीन हम लोग का टाइट हो गया। देखो, हाथ से भी घूमता नहीं है, बहुत मुश्किल से घूम रहा है वो, मतलब ये भारी हो गया। अभी चलाने के लिए हम लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि ये भारी चलने की वजह से थोड़ा काम करने के बाद भी हम लोग थक जाते हैं। वैसे तो मशीन भारी चलने के बहुत सारी वजह है, एक एक करके हम लोग ये वीडियो में, अलग अलग वीडियो में सभी वजह दिखाने वाले हैं। इसके लिए अभी आज का जो टॉपिक है मेन, जो धागा कट गया है, ये धागा जो कट गया है उसका एक कोई से छोर जाके अंदर नाल और शटल के गैप में बैठ गया है। इसके लिए हम लोग ये अभी बेल्ट उतार के इसको नीचे की तरफ देखेंगे, आपको खोलने का कैसा है वो बता देंगे। देखो देखो, धागा जो हम लोग का नाल और शटल के बीच में कट गया है, उसका एक छोर इसके कहीं ना कहीं अंदर है, ये देखने के लिए हमने मशीन को उल्टा रखा है। अभी थोड़ा सा समझ में आने के लिए हम लोग ये प्लेट नीचे रख बाहर कर देंगे। इससे पहले हम लोग ये बॉबिन केस निकाल देंगे। बॉबिन केस निकालने के लिए ये पट्टी खींचो और सुई को थोड़ा सा ऊपर नीचे करो, क्योंकि सुई नीचे रहने के बाद बॉबिन केस बाहर नहीं आती है। इसके लिए देखो, अभी ये टाइट है तो थोड़ा सा तकलीफ है। अभी ये बॉबिन केस निकल गया। बॉबिन के साथ निकालनी है, क्योंकि ये रख के कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी हम लोग को ये एरिया, मतलब जो नाल है वो खोलने के लिए ये दो स्क्रू निकालना है। दोनों स्क्रू निकालने के बाद बड़ी बड़ी सावधानी से उन्हें रखना है, क्योंकि ये दोनों बाद में काम आने वाले हैं। तो हम लोग अभी इसको बाहर निकालेंगे। अभी देखो, ये हमने तो निकाल दिया है। अभी ये घूमता नहीं है, ये इसके अंदर फ्री घूमना चाहिए। ये शटल है और ये नाल है, और ये इसके अंदर बराबर घूमता नहीं है। इसके लिए हम लोग इसे खोलना है। देखो, ये खोलने के लिए ये जो पट्टी है इसके लिए एक लॉक नट है, ये निकाल लो पहले। जैसा हम लोग मशीन खोल रहे हैं उसके अपोज डायरेक्शन में उसे जोड़ना भी है। देखो, जोड़ने के समय बराबर सभी पार्ट मिलने के लिए एक जगह रखने है। ये भी एक पट्टी है, और देखो हम लोग का धागा इधर था, ये जो हम लोग का धागा था वो निकल गया। बाद में ये शटल भी निकालो। अभी हमने मशीन खोला तो है, इसके लिए
इसे साफ कर देंगे। साफ करने के लिए यहाँ ब्रश के बजाय मैं छोटा स्क्रूड्राइवर ले रहा हूँ, क्योंकि इसे घिस कर निकालना है। कहीं पहले का भी जमा हो तो उसे भी निकालना है। इसके बाद ये पूरा साफ होने के बाद अभी जोड़ने का टाइम आ गया। ये देखो, ये पट्टी जो पट्टी के जो दो होल है और ये दो किले है जैसे सेप है, इनको ये ऐसी तरह लगाना है। इसे उल्टा भी लगा जा सकता है मगर वो गलत है। इसके लिए इसे ये तरफ से ऐसे सीधा लगा दो। बाद में हमने जो शुरू में एक प्लेट पट्टी निकाली थी जैसे यू आकार की है समझो, तो इसे इसके ऊपर रखनी है। और ये नीचे वाला जो होल है इसमें थ्रेड है, आटे है उसमें, इसको यहाँ रख के बराबर ये जो स्क्रू है जो पहले वाला निकाला था उसे लगा दो। थोड़ा सा हल्का हाथ से लगा दो पहले, क्योंकि होल मैच करना है, उसके बाद ही वो स्क्रूड्राइवर उससे यूज करो। देखो दोस्तों, ये जो छोटा सा धागा है, धागा दिखने में छोटा है मगर जो ये एरिया है यहाँ जो शटल और कैरियर का घूमता है, शटल जो घूम रहा है, इसके बाद ही हम लोग ये ऐसे धागा उसमें आ गया। तो ये जो शटल है इसका जो मार्ग है घूमने का, इसमें रुकावट पैदा हो जाएगी, इसके लिए ये टाइट चलेगा। इसकी वजह से हम लोग को मशीन चलाने में बहुत सी भारी लग जाएगी, इसीलिए इसको निकाल दो। अभी ये मशीन खोल दिया है, इसके लिए ये एरिया में ऑयल भी करना है। देखो इसको मशीन ऑयल डाल दो, ये फिट करने का अभी टाइम है। तो इससे ये शटल है, ये शटल का एरिया भी क्लीन होना चाहिए, इसे भी थोड़ा सा ऑयल लगा दो। अभी ये ऑयल लगाने के बाद इसको लगाने का डायरेक्शन देखो, ये बाहर की तरफ जब ही रहेगा तो ये नॉच को देखना है और शटल अंदर की तरफ है। देखो ये पॉइंट और ये होल, ये नॉच, ये एक जैसा मैच होना चाहिए। देखो हो गया, बस इसे बस आप प्रेस करो, हो गया। अब ये मशीन में हम लोग को फिट करना है। फिट करने से पहले थोड़ा सा इसे भी ऑयल देना है, ये एरिया जो है ऑयल है, थोड़ा सा ये थ्रेड जो है इनको भी थोड़ा सा ऑयल करना है ताकि ये बराबर चले। अभी देखो फिट करने के टाइम ये पोजीशन रखना है आपको। अगर आपको सुई की कोई तकलीफ है तो सुई आप निकाल सकते हो। अगर सुई लगने का आपको लग रहा है कि ये बिठाने के समय सुई अगर लग जाएगी तो आप निकाल सकते हो। अभी देखो ये हाफ राउंड है समझो, ये हाफ राउंड और ये इसका एक हाफ राउंड, तो दोनों मिलके एक सर्कल हो जाएगा। ये सर्कल हम जब तक बराबर मैच करेंगे तभी ये हम लोग का फिटिंग बैठ जाएगा। ये होने के बाद ये दो होल, ये देखो, ये हम ऐसा टेस्ट करेंगे कि हम लोग होल बराबर है या मैच करने में बराबर हो गए या नहीं। देखो दोनों होल बराबर है, दोनों होल बराबर है और ये बराबर इसी एरिया में बैठ गया है, तो ये दोनों स्क्रू लगा देंगे। कभी भी एक स्क्रू टाइट पूरी तरह करना नहीं है, क्योंकि दो स्क्रू वाला जो ये मशीन है, दो साइड वाला है, तो थोड़ा थोड़ा दोनों को टाइट करना है। ये थोड़ा होने के बाद इसे थोड़ा करना है। और ये बाद में फाइनल इसको टाइट करना है। ये टाइट होने के बाद ही हम मशीन को अभी सिलाई के लिए चेक करेंगे, ये तो भारी है या हम लोग ने प्रॉब्लम सॉल्व किया है। अभी देखो, हमने जो नाल और शटल के बीच में जो धागा फंस गया था उसे तो हमने निकाल दिया। अभी चेक करेंगे मशीन अपना जो चल रहा है वो सही है या गलत है। अभी देखो ये एकदम ईजी और फ्री हो गया है। देखो जो एकदम भारी चल रहा था अभी कहाँ टच नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है और कहाँ अटक भी नहीं रहा है, एकदम ईजी हो गया।
देखो हमारे इधर हमने जो ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है, मुझे लग रहा है कि ये आप भी ऐसे ट्राई करके देखो, दोनों तरफ सिलाई वगैरह बराबर है, आप भी अपने घर में ट्राई करके ये प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकते हैं। और भी कई वजह है, एक वजह बता रहा हूँ मैं, ये जो बेल्ट दिख रहा है ये अगर कभी गलती से हमने बहुत सारा टाइट किया तो ये अभी देखो ये इतना तो लूज होना चाहिए कम से कम, देखो इससे भी अगर ज़्यादा टाइट हो गया तो क्या हो जाएगा, ये दोनों नीचे वाला और ऊपर वाला व्हील में ये अगर टाइट रहेगा तो हम लोग को ज़्यादा ताकत लगेगी, इसी के वजह से ये भारी चलेगा। तो आप क्या करना है, कम से कम इतना लूज होना चाहिए जो आपका बेल्ट है, इतना लूज होने के बाद वो फ्री चलेगा। और एक यहाँ एक छोटा सा वजह है, ये भी आप देख लो, ये एरिया जो है ये बॉबिन वाइंडर कहलाता है, यहाँ हम बॉबिन रख के इसे धागा वाइंड करते हैं। अभी देखो कभी हमने धागा वाइंड करने के लिए ऐसा लगा टच करना है इसको, ये हो गया धागा वाइंडिंग करने का पोजीशन। मगर क्या होता है कि हम लोग धागा वाइंड करेंगे बॉबिन के अंदर और निकालने के बाद ये पोजीशन ऐसे ही रहेगी तो ये मशीन भारी चलेगा। देखो आवाज़ आ रहा है, देखो एक छोटा सा आवाज़ आ रहा है, यही उसे घिस रहा है। अगर हमें मालूम नहीं है तो ये मशीन हम लोग भारी चलने की वजह तुरंत ढूंढ नहीं सकते। तो सिंपल वजह देखो, इसको आप खाली ऑन कर दो, बस हो गया फ्री। ऐसी बहुत सारी वजह और भी है दोस्तों, ये अगर आपको सब कुछ वजह जानना है तो इसके बाद भी हम लोग वीडियो निकालने वाले हैं, मगर इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में कोई अगर आपके डाउट्स है वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और जो आपने अभी तक हमारा वीडियो देखा इसके लिए थैंक्स।